हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी में आप सबका स्वागत है। हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी एक नई फिल्म की घोषणा करते हुए फर्स्ट लुक फुटेज शेयर की। एक्टर ने मेजर जनरल यान कार्डोजो की भूमिका निभाने का ऐलान किया है। अतरंगी रे और रक्षाबंधन के बाद अक्षय कुमार आनंद पाल राय के साथ एक बार फिर से काम करने जा रहे हैं। अक्षय कुमार भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट 5वीं गोरखा राइफल्स के एक महान अधिकारी जनरल यान कार्डोजो के जीवन पर आधारित एक बायोपिक करने जा रहे हैं। हाल ही में फिल्म गोरखा का पोस्टर रिलीज हुआ है, लेकिन ये पोस्टर रिलीज के साथ ही विवादों में घिर गया है। इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय पूरन सिंह चौहान करेंगे। ऐसे में फिल्म के पोस्ट के बाद जहां हर कई इसकी तारीफ कर रहा था, तो वही एक ट्वीट के बाद ये विवादों में गिर गया। दरअसल एक पूर्व गोरखा अधिकारी ने पोस्टर को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। मेजर मानिक एम जोली ने ट्विटर पर सग्गा किया कि पोस्टर में इस्तेमाल की गई खुरकी की तस्वीर गलत बताई गई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि प्रिय अक्षय कुमार जी, एक पूर्व गोरखा अधिकारी के रूप में इस फिल्म को बनाने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि इसका विवरण मायने रखता है, कृपया खुरकी को ठीक करें। उन्होंने फोटो भी शेयर की है और साफ किया कि दूसरी तरफ तेज धार है, ये तलवार नहीं है। उन्होंने अनुभव से बात की और यहाँ तक कि एक असली खुरकी की तस्वीर भी सग्गा की। इसके तुरंत बाद लोगों ने इस ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें कुछ लोग मेजर मानिक की राय से सहमत थे और अन्य ने पोस्टर का बचाव किया। इस ट्वीट को देखने के बाद अक्षय कुमार ने रिप्लाई देते हुए लिखा है कि प्रिय मेजर जाली, इसे इंगित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म बनाते समय हम अत्यधिक सावधानी बरतेंगे। मुझे गोरखा बनाने पर बहुत गर्व और सम्मान है। इसे वास्तविकता के सबसे करीब लाने के लिए किसी भी सुझाव की सबसे अधिक सराहना की जाएगी। इस फिल्म में अक्षय उस महान युद्ध नायक की भूमिका निभाएंगे जिसने देश के युद्ध में और विशेष रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। एक युद्ध आइकन के बारे में यह एक विशेष फिल्म होने के नाते अभिनेता ने इसे खुद पेश करने का फैसला किया है। ऐसे ही रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह जानकारी आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।